नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम कुंभ दर्शन में। कुंभ की जब बात आती है तो मन में एक ख्याल आता है कि नदियों का तट हो, प्रयागराज की पावन धरती है, ऐसे पवित्र पावन धरती पर कुंभ का आयोजन हो चला है और अलग अलग महाराज श्री से आशीर्वचन आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के तर्ज पर एक मुझे चौपाई याद आ रही है कि अब मुहि भा भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बगैर प्रभु की कृपा के संत का समागम, संत का सानिध्य नहीं मिल सकता है। इसी के तहत हम कई महाराज श्री से आशीर्वचन आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अगर कथा में रुचि रखते होंगे तो परम पूज्य अंगद जी महाराज, जो श्री राम कथा के मर्मज्ञ वक्ता थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी के तौर पर हमारे साथ इस समय स्वामी प्रणवपुरी जी महाराज हैं। पूज्य श्री से कुछ कथा के विषय में चर्चा करेंगे, कुछ क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे और कुछ उनके जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। और आइए सीधे सानिध्य प्राप्त करते हैं। पुषी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री सीताराम। पुषी, जब संत के साथ में बैठना होता है तो सत्संग की बात आती है, धर्म की बात आती है, लेकिन इसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस धरती, जिस धरती पे हम लोग इस समय मौजूद हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से लोगों का आना हो रहा है, इसके बारे में संक्षेप में माघ मेले के बारे में, इस बार के आयोजन के बारे में क्या कुछ कहना होगा? देखिए, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला का और माघ के महीने में मकर संक्रांति के बाद कल्पवास का हम लोग मान्यता है। और जैसा कि जानते हैं, समुद्र मंथन के समय जो बूंदें जयंत जी द्वारा गिर गई थी, वहीं तीन नदियों के पास, तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार और तीसरा उज्जैन, वहां पर हम लोग कुंभ मनाते हैं। सारे संत आकर के यहाँ समागम होता है। प्रति संबत अति होई अनंदा, मकर मध्य मध्य गवनहि मुनि वृंदा। तो ये समागम संतों का तीर्थराज प्रयाग इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी माता हैं, माता गंगा, जमुना जी और सरस्वती जी का संगम है। और जैसे वो संगम है, वैसे ही त्रिवेणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम करने के लिए ये कथा, ये प्रवचन, ये संत लोगों का समागम होता है। पुषी, यहाँ पे कथा के साथ साथ स्नान पर्व का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि अगर एक बार यहाँ पे अगर माँ के सानिध्य में, माँ के आचरण में अगर डुबकी लगाई जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती, ऐसा कहा जाता है। इसके विषय में हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताएं? हम लोगों की मान्यता है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, माता गंगा के तो दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। और जहाँ पे माता गंगा, जमुना और माता सरस्वती साक्षात बह रही हों, और वो भी इस पावन पर्व पे, जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अमृत की बूंदें माता गंगा, जमुना जी और मतलब माता संगम में मिली होती हैं, तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये तो एक इतनी रोचक घटना है कि एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा था कि ये बताइए कि कौन सा नदी का जल सबसे ज़्यादा शुद्ध है, तो उन्होंने कहा था कि जमुना जी का, तो कहा कि गंगा क्यों नहीं कहे, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि गंगा माता का तो जल है ही नहीं, वहाँ तो अमृत साक्षात बह रहा है। तो ऐसी माता गंगा के किनारे अगर तीर्थराज प्रयाग में लोग आके स्नान करेंगे तो मोक्ष और मुक्ति अवश्य उनको प्राप्त होगी। जब हमारी आपकी अभी साक्षात्कार के पहले कुछ बात या परिचर्चा चल रही थी तो आपने कहा कि इस क्षेत्र में मैं जब से आया हूँ और कई तरीके के आयोजन किए जाते हैं। आज की आधुनिकता को अगर दर्शकों हम आपको बताएं, आपने भी देखा होगा कई ऐसे महाराज श्री हैं जो बड़े मंच से करते हैं, जो बड़ी जनसंख्या के साथ में करते हैं, जो बड़ी साथ सज्जा के साथ में प्रभु श्री राम की कथा को करते हैं। श्री राम की कथा, पूज्य श्री राम की कथा, चाहे वो लोगों के बीच में की जाए या फिर बड़े समारोह के बीच में की जाए, कथा तो कथा ही है। लेकिन इसमें एक विशेष मुझे भी रोचक लगा कि आप खड़े होकर के 3 घंटे की कथा करते हैं, संगीतबद्ध नहीं है, आप अपने माध्यम से करते हैं, क्या इसके पीछे का कुछ भी ऐसा? भैया, स्वामी अंगद जी महाराज जो रहे, उनको माघ मेला में पदवी मिली अंगद जी की, क्योंकि जैसे अंगद जी ने रावण के सामने पैर टेक दिया था तो पैर कोई नहीं हिला पाया था, वैसे ही वो खड़े होकर कहते थे। उनके बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया कि मैं बैठ के कथा कह पाऊँ, किंतु वो भाव ही नहीं आ पाता है। खड़े होने के बाद माता सरस्वती जी की जो कृपा होती है, उसी कृपा से राम कथा, और इसे हनुमंती शैली भी कहते हैं, नारदीय शैली, व्यासीय शैली और हनुमंती शैली। तो हनुमान जी महाराज क्योंकि खड़े होकर ही कथा सुनाया करते थे, चाहे वो लंका का प्रांगण हो जहाँ उन्होंने 2-2 बार कथा सुनाई, तो उसी प्रकार हनुमंती शैली के
शायद और कोई इस शैली से कहता हो, ये हनुमान जी की ही कृपा है जो मैं इस प्रकार रामकथा सुना पाता हूँ। कोई संगीत नहीं, कोई भजन नहीं, द्वादश ग्रंथ रामचरितमानस और साथ में कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, इन सब का समागम होता है। कथा में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान जी महाराज की ये सब कृपा है। मैं कुछ नहीं इसमें बता सकता कैसे ये होता है। गोस्वामी जी ने, शंकर भगवान ने एक बात कही है माता पार्वती से कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोए, जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि क्षण होए। ना कोई मूर्ख है ना ज्ञानी है, परमात्मा को जब जिससे जो कार्य कराना होता है वो उसे वो कार्य बरबस करवा देता है, तो यही उनकी कृपा मान सकता हूँ मैं। परमात्मा की कृपा जिन पर हो जाए वो तो धन्य धन्य हो ही जाता है, लेकिन इसके पीछे मेरा भी व्यक्तिगत एक प्रश्न और है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि आप युवा हैं, युवा कथावाचक हैं, सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, तो इसके बीच में ये भी प्रश्न बनता है कि आखिर इस तरफ आने का श्रेय कहाँ से मिला, किनके प्रति मतलब ऐसा आकर्षण रहा जो यहाँ पे आए। जब स्वामी अंगद जी महाराज का 2012 में देहावसान हो गया तो मैं घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने आया, और उसी संस्कार के समय ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने अपनी जॉब छोड़कर और जितने वहाँ से भी कॉल आए, मैंने कह दिया कि नहीं, मैं अब केवल श्री राम कथा सुनाऊँगा। बड़ा कठिन समय था, और उस कठिन समय में हम लोगों के बड़े प्रिय श्री ए पी मिश्रा साहब हैं, जो पहले MD रहे पावर कॉरपोरेशन के, उनका सानिध्य और लेटे हुए हनुमान जी महाराज को जाकर सुंदरकांड सुनाना। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा है, आप मुझे नित्य कथा सुनाइए राम कथा, 10 मिनट 5 मिनट, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि कथा और प्रवचन के लिए समय नहीं है हमारे पास। उस समय उनके पास IAS के 3 चार्जेस थे, लेकिन वो नित्य मुझसे आधा घंटा फ़ोन पर वाया कॉन्फ्रेंसिंग राम कथा सुनते थे। हम लोगों की सुनने वाले तो हनुमान जी महाराज थे जो उनके हृदय में बैठे, और वही क्रम जो चला आज 5-6 वर्ष हो गया, हम लोग नित्य सुबह रामकथा की चर्चा करते हैं। आज तो करीब 10-12 लोग पूरे देश भर से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ते हैं। टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है कि लोग सोचते हैं कि मंच लगेगा तब कथा होगी, बहुत सब लोग बैठेंगे तब कथा होगी, किंतु 10-12 लोग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नित्य श्री राम कथा की, रामचरितमानस के आधार पर कथा सुनते हैं। शायद वही कृपा रही कि हम लोग कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवाऊँ तुम्हें सुनहूँ मन लाई। तो उसी प्रकार मेरे ऊपर भी शायद भगवान कृपा हुई कि मैं आज भी वही कथा निरंतर सुना रहा हूँ। वैसे इस कुंभ के आयोजन में कई बार आप यहाँ मेले के दौरान कथा आयोजित हुई होगी और किए होंगे, इस बार की व्यवस्था, इस बार के आयोजन के प्रति आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत सुंदर आयोजन है, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कुंभ हो चाहे माघ मेला हो, यह व्यवस्था पे नहीं आस्था पे टिकने वाला समारोह है। दर्शकों की आस्था है, व्यवस्था कम हो या ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, आप जाकर के देखें तो शौचालय हो चाहे सड़कें हों, हाँ कुछ जहाँ पे ऊँच नीच 19-20 है तो वो इतने बड़े आयोजन में हो जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु मैं एक निवेदन और ये करना चाहूँगा, मैं हमेशा करता आया हूँ कि माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यदि पाठ्यक्रम में परीक्षा थोड़ा सा 2 महीने बाद 1 महीने बाद पोस्टपोन हो जाए करे इस समय, तो जो युवा पीढ़ी है वो भी इस कुंभ का आनंद ले सकती है, तो ज़्यादा क्योंकि वृद्ध लोग तो ले ही रहे हैं, युवा लोग बेचारे नहीं ले पा रहे। बहुत अच्छा आयोजन है, और जो व्यवस्था है उनसे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्नता है। इस आयोजन में जयपारस चैनल एक नया पैटर्न लेके आया है, एक नए कार्यक्रम के तहत, हम कुंभ दर्शन कार्यक्रम का नाम है, जिसके तहत हम मनीषियों से, आचार्य वृंदों से और कथावाचकों से अमृतमयी वाणी इस क्षेत्र से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो हमारे इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, आपके श्रीमुख की सारी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसके विषय में कुछ जागरूकता आए धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति युवाओं में, क्या कुछ अमूल्य शब्द देंगे? भैया मेरी जो कथाएं होती हैं वो तो युवाओं को ही फोकस करके होती हैं, और अध्यात्म का जो सबसे सरल परिभाषा है वो ये है कि वो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। परमात्मा से, भगवान से आप बाद में साक्षात करते हैं, पहले इंसान से साक्षात्कार करवाता है वो। और जो वृद्ध हैं, जो 50 वर्ष के बाद के हैं, उन्होंने तो अपना जीवन जी लिया, मेन फोकस युवाओं को करना है कि उनको किसी क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे फेस करना है। और इसके लिए
चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे श्री राम कथा हो, ये यही सिखाता है। चाहे आप हनुमान जी महाराज का चरित्र देखिए, चाहे निषाद का देखिए, चाहे लक्ष्मण जी महाराज का देखिए, क्या संस्कार होने चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए। मैं युवाओं से एक ही बात इसमें कहना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ मंदिर में तो युवा जाते हैं, लेकिन उनकी सबकी कोई मांग होती है, कोई पास होना चाहता है, कोई फर्स्ट आना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, क्या उनके आचरण थे या क्या उन्होंने संसार को उपदेश दिया, ये जब तक कथा सत्संग में वो नहीं आएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए शायद आज का युवा भ्रमित है, कोई फेल हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, कोई अगर कोई नंबर कम आ गए तो वो आत्महत्या कर लेता है। आपने कहा कि अमृतवाणी, तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान श्री राम के उस विजय रथ की तरफ देखिए, जब रावण खड़ा था और भगवान श्री राम निहत्थे खड़े थे उनके सामने, लेकिन उस विजय रथ में उन्होंने कहा कि सौरज धीरज ते ही रचा का, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता का, बल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, सखा धर्म मय असरत जाके, जीत न कहूँ न कतहु रिपुता के। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जिसके पास ऐसा धर्म रथ होगा, बड़े से बड़ा शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नंगे पैर जब रावण की इतनी बड़ी सेना से प्रभु लड़ सकते हैं, तो छोटे मोटे संकट से तो युवा लड़ ही सकते हैं, हार से नहीं होगा। आध्यात्मिक सोच होना, आध्यात्मिक शक्ति होना परम आवश्यक है, यही संदेश मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत जय सीताराम। और एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे पास जय पारस चैनल से जो लोग भी आए, ये उनका बड़ा अच्छा प्रयास है, क्योंकि हम जैसे संत महात्मा, कोई इतने बड़े संत महात्मा नहीं है जो बड़े बड़े चैनलों को अफोर्ड कर पाएँ। तो ये आप लोगों का धन्यवाद मैं पारस चैनल को देना चाहूँगा कि हम संतों को भी उन्होंने प्रमोट किया और कथा के लिए आगे समाज तक ये कथा जाए उसके लिए प्रोत्साहित किया। जय सीताराम। गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वचन अगर आपको मिलेगा, सनातन धर्म की परंपरा को अगर आप सही तरीके से अनुसरण करेंगे, तो आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। ये पतित पावन धरती आपको सद्मार्ग पे चलना सिखाती है। सनातन धर्म की संस्कृति को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस बार आएं। मैं तो हर कार्यक्रमों के दौरान कहता हूं, आप आइए, अपनों को साथ लाइए प्रकल्प में, अपनी सहभागिता इसलिए सुनिश्चित करिए कि हम सनातन धर्मी हैं। हम और भी गुरु श्री से मिलेंगे, आशीर्वचन आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय जय प्रयागराज।